समारोह से मेरे दोस्तों के स्वागत बच्चे। आज हम बनाते हैं कुंगड़ा की सब्जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार। तो चलिए कुंगड़ा के सब्जी के काट लिया, मसाला एक रखे डाल दिया। तो चलिए पहले मसाला के भून लिया, ओकर बाद काट दानी। तो पहले कुंगड़ा के रख दिया और मसाला पहले, तो मसाला भूने खाते पहले हम तेल बैठा देने का नहीं, इनमें डालें थोड़ा सा तेल ताकि तेल हमारा अच्छा से गर्म हो जाए। पहले तेल के अच्छा से हम गर्म कर रहे हैं, गर्म हो गई अच्छा से। इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा मेथी दाना, ओकरा में डालते हैं दो तीन गो सूखी लाल मिर्च, अच्छा से कड़के दे हम। चलिए तो फोरन अच्छा से कड़क जाए तो एकरा में डालब हम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सरसों मसाला जरूरी रुआ डाल दे हम। उसके बाद रुआ कोई भी मसाला डाले लेकिन सरसों मसाला जरूर डाले के बाद। और थोड़ा सा डाल दें हम लहसुन के पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन के पेस्ट। अब अच्छा से थोड़ा सा पानी डालें और मसाला के अच्छा से फ्राई कर रहे हैं। आज के मीडियम ही रखें, ज़्यादा तेज नीचे रखे गए मसाला के अच्छा से फ्राई कर लेने के बाद। चलिए इसका थोड़ा सा कम आँच करके करके मसाला के फ्राई कर दे, तब तक कद्दू काट लिया कोहड़ा। चलिए तो कोहड़ा के हम ले बनी कोहड़ा के बीच से काट, पर हमने के तरफ कोहड़ा के औरत ना काटा सा, तब हमने के पहले ही कटवा ले बनी कोहड़ा, ओकर के थोड़ा सा काट ली, बहुत ताकत लागत है रे बापा। इस तरीके से हम काट ले बेटे, देखिए कच्चा एक आधा कच्चू बा, मतलब पूरा कच्चा नहीं है ये, आधा पक्का आधा कच्चा बा, तब मतलब बहुत ही टेस्टी एक सब्जी बनेगा। देखिए इस तरीके से कद्दू कोहड़ा बा हमने के, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगी। तो हम इतना कोहड़ा के बना के करम कहाँ रे खाए के बाद, एक रे के अधे करत है इहो बता दे दी, बहुत सीक्रेट बात बा, ये हम चुरा के ले बने। अब कहाँ से चुरा के ले ली बताई भी ना जी, ये बन जे वीडियो अपलोड हो जाए तो दुनिया अपने जान दे कि एक घर कोहड़ा बनल बताए कि नहीं खे। चलिए तो हम कोहड़ा के बढ़िया से काट लेते नहीं, तो कह दी अब कि कोहड़ा एक घर कहाँ से आई, हम तो लौका बोले बनी कोहड़ा थोड़ी नहीं बोले, हम कह दे हम बदलिए कि बनी कोहड़ा लौका से। तो आराम से एक के काट लेवे के बाद देखिए ये वाला अंदर के पार्ट के निकाल देवे के बाद, देखिए इस तरीका से हम कोहड़ा के अंदर के पार्ट के निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोहड़ा जी लग जाए कि भोज खिलावे के होके, वैसे हम उतना बनेबे ना करो इतना ही बनाए। चलिए तो एक के काट लेता है छोटा छोटा पीस में, बहुत मेहनत लागत है। चलिए तो देखिए हम कोहड़ा के अच्छा से काट ले बनी, अब एक के धो के लगाते हैं आगे बनी डाला एकरा में हम, तो मसाला हमने के इस तरीका से फ्राई होता है। आराम से थोड़ा सा पानी डाला, मसाला सूखा मसाला हो कि तब, अब सिल्वर पर पीस के डाली तो अलग बात होगा। इस तरीका से मसाला के अच्छा से तेल छोड़े तक ले फ्राई कर ली है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी और बहुत ही लाजवाब, रोटी पूड़ी पराठा जो साथ खाएं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी। चलिए तो देखिए हम इसे मसाला से तेल छोड़ दीजिएगा, अब एक में डाल देखा हम सारा कोहड़ा डाले, हमने के नमक ना डाल ले रही अभी ना टमाटर के, अभी ना जरूरी भाई में टमाटर, ये खुद बहुत टेस्टी लगे। एक में अब डाल दें हम स्वाद अनुसार नमक अभी, ताकि कोहड़ा आराम से गल जाए। अब ज़्यादा देख के ना कि ज़्यादा बा कोहड़ा तो ज़्यादा ही नमक डाल दें हम, स्वाद अनुसार नमक डाल के आराम से चला के ढक देवे के बाद। चल तो आराम से एक रखे चला दे बनी, अब एक रखे ढक दिया 10 से 15 मिनट। चलिए देखा जा तो देखे हमने के कोहड़ा पानी छोड़ दे आराम से, इसी तरीके से हमने के पका देखे, इसी पानी में एक्स्ट्रा पानी ना डालने के पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी डाल दें हम तो कोहड़ा के पानी अलग छूटी और अलग पानी अलग छूटी, बस हो जाए आधा घंटा एक घंटा बनाने में, तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाला। चलिए तो देखिए हमने कि इसी तरीके से चलाते हुए इसी पानी में पका लेवे के बाद, और इसी से करके दबावे के लिए क्योंकि खराब लग गई, मतलब टेस्ट खराब हो गई सब हलवा के तरह हो गई, तो इसे हल्का हाथ से ही चला चला के पानी के अच्छा से सुखा लेवे के बाद। देखिए तो कोहड़ा एकदम गल गई, पर वह हाथ से भी दबा दें हम एक
दब गए इस तरीका से एकदम गल गल का। अब इतना तो कुछ करे कि नहीं थे, बस पानी सिखा देवे के बाद जो कोहरा पानी छोड़ देगा। चलते हमें कि ये कोहरा के सब्जी बन के तैयार हो गई मसालेदार सरसों मसाला के। तो चलिए अब गैस को बंद करते नहीं और निकाल के लोगों के दिखाते नहीं। चलिए तो कोहरा के सब्जी बन के तैयार हो गई बहुत ही दमदार, तो बताइएगा कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। फिर एक बार फिर आई हूँ एक नया रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।